जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पथरिया एवं हाटा क्षेत्रों में बस्तियों में भी पानी घुस आया है। लोगों को घरों में पानी घुसने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, वहीं सड़क से नदियों की तरह पानी बहता दिखाई दे रहा है। जिले के तेलुखेड़ा क्षेत्र में धनगौर में बने कन्या छात्रावास में 2-3 फीट तक पानी भर जाने से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्राओं को पुलिस की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिले में अभी लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश होने के कारण हॉस्टल परिसर और ये अपने विभिन्न अपना जो ऑफिस है, जो ग्राउंड है और कमरों में 2-3 फुट पानी अपना भर गया था, जिसके कारण से बच्चों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी और पानी मतलब जो है उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था। तो बच्चों को यहाँ से निकाल के सुरक्षित स्थान पर किया गया है। अब ये पानी भर गया है, इसके लिए मुख्य समस्या यह है कि हमारे हॉस्टल में बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री ना होने के कारण जो पहाड़ी एरिया का खेत खलिहान का जो पानी होता है पूरा आके हमारी हॉस्टल जो है निचली बनी हुई है, तो पूरी हमारे हॉस्टल परिसर में ये पानी जमा हो गया है। इसके कारण आज हमको ये हमारी हॉस्टल पूरी पानी से लबालब है और ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारी जो है हो रही हैं। हमारा सामान भी खराब हो गया है, पूरे परिसर में गंदगी भी हो गई है, जिससे हम लोग अधिकारियों को सूचना नहीं जी अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, तो वो भी आ रहे हैं और बोलते हैं समस्या को हल किया जाएगा। क्या नाम है? तो पानी भरा ही हुआ है। सरोज तिवारी। किस पद पर पदस्थ हैं? मैं यहाँ पर वार्डन के पद पर पदस्थ।